स्टार्ट होता है, यहाँ से अब ये स्टॉप है। आप ब्रिज से जैसे ही यहाँ पे हमें मोमेंट मिलता है, वो मोमेंट सेलेक्ट करके यहाँ से इंजन को फ्यूल देते हैं और स्टार्ट करते हैं। मतलब ये की समझ लीजिए इंजन का। हाँ यस, ये सेफ्टी, गवर्निंग, मैनुअलिंग, ये तीनों कंट्रोल सिस्टम है। कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम सिराज और आप देख रहे हैं SAS मरीनर। गाइस आज का ब्लॉग होगा इंजन रूम के ऊपर। गाइस बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलता हूँ मैं आपको इंजन रूम में लेके जाऊँ। गाइस मैं ECR में आया हूँ इंजन कंट्रोल रूम में, तो यहाँ से पूरा इंजन को कंट्रोल किया जाता है। जितने भी मशीनरी रहेंगे यहाँ से उसे कंट्रोल किया जाएगा, जाता है यहाँ से उसे कंट्रोल किया जाता है। तो गाइस देखिए मैं चलिए मिलाता हूँ अपने दोस्तों को, कोई भी ऑफिसर रहेंगे या इंजीनियर रहेंगे मैं उनसे मिलाता हूँ, और जो जो रहेगा बाकी का ब्लॉकर जो होगा। ये हमारे सिक्कल भाई और हमारे चार साहब यहाँ पर है, सॉरी तीन साहब हैं। और हमारे ये ड्यूटी ख़त्म हो गया है भाई का सूरज, तो चार साहब थोड़ा अभी डिटेल में बताएंगे क्या इसके बारे में। तो यहाँ से सारे अलार्म जो भी प्रॉब्लम आएगा उसका अलार्म आएगा वो हमें इस पे डिस्प्ले में पता चल जाएगा। उसके बाद जो भी हमें उससे एक्शन लेना है वो इधर से हम लोग ले सकते हैं। ये सेम है, ये दो रहता है, एक मास्टर स्लेव एक्चुअली ये हमारा थोड़ा अभी बंद करके रखा है हमने, और ये यहाँ पे आ गया। ये जो भी जैसे हमारे प्यूरीफायर्स है, कुछ मशीनरीज के, कुछ पंप्स की, ये रनिंग इंडिकेशंस है कि हमें पता चलेगा कौन सा अभी रनिंग में है, कौन सा स्टॉप है। सेम ये दो है, फर्स्ट सेकेंड एंड दिस कंसोल थर्ड वन, तो अभी कौन सा 220 224, ये सब हमारा पावर सोर्स ऑन है। ये हो गया, ये एक एक्सटेंशन अलार्म पैनल है, ऐसा हमारा इधर है, ऐसा ही हमारे केबिन में रहेगा, चीफ इंजीनियर केबिन में रहेगा, सेकंड इंजीनियर केबिन में रहेगा, फोर्थ इंजीनियर सभी के केबिन में रहेगा। जो UMS के लिए है वो मेन कंसोल उसका यहाँ पे, यहाँ से ये वॉच डाल देते हैं कि किसका वॉच डालना है, थर्ड इंजीनियर का डालना है। फिर बाकी ये आ गया आपका स्टेयरिंग गियर, जो आप लोग ऊपर से यूज़ करते हैं स्टेयरिंग करते हैं, स्टेयरिंग मोटर का, उसका कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो ये सारे उसके अलार्म से क्या रनिंग में कुछ प्रॉब्लम है तो वो इधर दिखाएंगे कौन सा मोटर रनिंग है। ये तीन सिस्टम है, ये थोड़ा आपको पूरा बताते हैं। ये मैनुअलिंग सिस्टम है, गवर्नर सिस्टम रहेगा, और एक इंजन प्रोटेक्शन सिस्टम मीन सेफ्टी गवर्निंग मैनुअलिंग, ये तीनों कंट्रोल सिस्टम है इंजन के। और यहाँ से इंजन को ये टेलीग्राम है जो ऊपर से ब्रिज से दिया जाता है, जो भी ऑफिसर वहाँ से उसको देता है, हम इसे एक्नॉलेज करके ये इंजन का स्टार्टिंग लेवल। ओके, वहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से इंजन स्टार्ट होता है, यहाँ से अब ये स्टॉप है। आप ब्रिज से जैसे ही यहाँ पे हमें मोमेंट मिलता है वो मोमेंट सेलेक्ट करके यहाँ से इंजन को फ्यूल देते हैं और स्टार्ट करते हैं। मतलब ये की समझ लीजिए इंजन। हाँ यस, यही है जो स्टार्टिंग, अगर वहाँ से मोमेंट दिया बट इंजन का कंट्रोल हमारे पास है, अगर हम जब तक इसको लीवर को मूवमेंट नहीं करेंगे इंजन स्टार्ट नहीं होगा, ओनली मूवमेंट एक्नॉलेज हो जाएगा। फिर ये सारे ये मेन इंजन के कुछ अलार्म्स के इंडिकेशंस हैं कि क्या अभी जैसे मान लो ये सारा कौन सा वाल्व ओपन है, कौन सा लाइन सेट है, टर्निंग गियर इंगेज है कि नहीं, मेन इंजन का केम हेड में है, स्टर्न में है, ये इधर इंडिकेशंस आएगा। फिर जैसे ब्लोअर है, ब्लोअर स्टार्ट है, स्टॉप है, या ऑटो है, मैनुअल है, बहुत सारा इंडिकेशन है। ये आपको सामने दिख रहा है क्लॉक है, दूसरा आपको RPM इंडिकेटर आता है, जो भी RPM मिलेगा वो इंडिकेशन यहाँ पे मिलेगा। ऐसे ही सेम रडर का इंडिकेशन, आप जो भी इससे रडर का एंगल देखें ना यहाँ शो करेगा। फिर यहाँ से ये हमारे कुछ पंप्स के हम लोग को एनालॉग मतलब इंडिकेशन मिलते हैं कि
कितना प्रेशर है, डिस्चार्ज है, सक्शन है, जो भी पंप से, तो कुछ पंप से यहाँ पे, तो उनका पूरा एक्यूरेट रहता है। हाँ, ये एक्यूरेट रहता है। हम यहाँ से जो मैनुअलिंग कर रहे हैं, तो हम यहाँ से ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसी में कुछ पंप, जैसे सपोज हमारा ये लूब ऑयल पंप है, तो हमें यहीं से इंडिकेशन मिल जाता है मेन इंजन का लूब ऑयल पंप है, प्रेशर है कि नहीं है, वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या चेक हेड वाटर प्रेशर है, तो ये पूरा यहाँ पे फ्यूल ऑयल प्रेशर, इन सेंस कहने का मेन इंजन का जो मैनुअलिंग कर रहा है वो यहाँ से उसका सब कुछ देख सकते हैं, ये हमारा मेन इंजन प्रॉपर है कि नहीं है। हाँ, मेन इंजन हेल्दी है, मैं मोमेंट दे सकता है, कोई प्रॉब्लम। यहाँ पे यही एक ऑयल मिस्ट डिटेक्टर सिस्टम रहता है, वो है, तो ये अभी हमने बंद करके रखा है, हम लोग इसको सेलिंग में चालू कर लेते हैं, जैसे बाकी हम नॉर्मली बंद है, वैसे इसको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, चालू भी रख सकते हैं। यहाँ से फिर आपको ये बॉयलर का सिस्टम है, ये फायर फाइटिंग का कुछ भी इंडिकेशन, जैसे ये लोकल फायर फाइटिंग है जिसको बोलते हैं, हाइपर मिस्ट भी बोलते हैं, उसका इंडिकेशन है, जो भी जहाँ पे भी अगर एक्टिवेट हो गया वो इंडिकेशन यहाँ आएगा, और बाकी ये कौन सा इंडिकेशन नॉर्मल ऑटो में, मैनुअल में है, या मिस्ट हो रहे हैं, या फायर हो रहा है, ये सब इस यहाँ से हमें पता चलते हैं। और ये कुछ पंप्स हैं जिनको हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। किसका पंप है? सपोज जैसे कि ये हमारा जनरेटर, ये फ्यूल ऑयल है, डीओ का फ्यूल ऑयल है, उसको हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, स्लज पंप को हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर ये प्यूरीफायर एग्जॉस्ट फैन है रूम का, वो चालू कर सकते हैं, और हम टॉपिंग एयर कंप्रेसर है उसको यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर यहाँ से ये कंट्रोल चेंजेस है, ये जनरेटर का फ्यूल कंट्रोल सिस्टम है, जनरेटर को HFO में DO में डालना है, तो वो यहाँ से रिमोट कंट्रोल सिस्टम ओके और इसी तरीके से ये लोकल फायर फाइटिंग है, ये हमारा मेन फायर फाइटिंग है पूरा जहाज पे, वो इसका पहले ओके, और ये ICCP है, ये कॉल पॉइंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये आप जिधर भी देखा होगा कि आप बाहर भी रहेगा, इंजन रूम में भी रहेगा, अगर जहाँ फायर हो गया प्रेस करना है उसे, तो इसे प्रेस करते हैं, ये एक पॉइंट यहाँ पे भी है, तो ये कॉल पॉइंट का आपको भी सबको पता होना चाहिए कि हमारे आसपास कहाँ पे कॉल पॉइंट है, अगर फायर हुआ तो हम लोग नहीं पहुँच पाए, तो यहाँ से एक इंडिकेशन आप प्रेस करो, और फायर फाइटिंग का आपको असिस्ट करने के लिए अपने आप वहाँ पे पब्लिक पहुँच जाएगी, क्योंकि ये इंडिकेशन ब्रिज पे मिल जाए। ओके, ये हो गया हमारा पूरा कंसोल, इसको कंट्रोल कंसोल, ये इसको पूरा मेन स्विच बोर्ड बोलते हैं हम लोग, MSB बोलते हैं। ओके, इसका यूज, ये MSB मेन स्विच बोर्ड मीन्स जो भी हमारा पावर का कंट्रोल है, पावर का सप्लाई, या भी ब्रेकर्स, ये सारे इंडिकेशंस, एम्परेज, वोल्टेज और स्टार्ट स्टॉप एवरीथिंग यहाँ पे। ओके, ये रिमोट सिस्टम है पूरा, एक आपका रहेगा पंप के पास में जो लोकल सिस्टम, एक ये रिमोट सिस्टम, यहीं से हम पंप को स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं, एम्परेज देख सकते हैं, वोल्टेज देख सकते हैं, ये सारा इंडिकेशन, ठीक है। इसमें अभी आपका अलग अलग है, जैसे कि वो इस साइड से आप देखोगे तो ये एक ग्रुप है, नंबर वन ग्रुप पैनल है, इस नंबर वन ग्रुप पैनल में कौन से पंप्स हैं वो है, उधर से आप देखोगे तो AC 220 फेडर, AC 220 फेडर मीन्स अपना जो भी एकोमोडेशन में 220 पावर सप्लाई दिया जा रहा है वो यहाँ से जा रहा है, उसके ब्रेकर्स यहाँ पे, वो सब हम यहाँ से कर, फिर ये नंबर वन AC 440 ग्रुप फेडर आ गया, मीन्स जो भी बड़े पंप्स हैं उन सब का है, आप देख सकते हैं इसमें बॉयलर का पैनल का है, लोकल फायर फाइटिंग है, AC का है, ये सारे यहाँ पे, और नीचे आप देख सकते हो डैक मशीनरीज के जो हम पावर आप लोग यूज़ करते हो, विंचेस, उनका पावर यहाँ पे है, ये यहाँ से आपके विंचेस को हमें पावर स्टॉप करता है, फिर यहाँ पे तीन आते हैं जनरेटर का पैनल्स, ये मेन नंबर वन जनरेटर का है, और नंबर टू का वहाँ पे, नंबर थ्री वहाँ पे, और ये रहता है सिंक्रोनाइजिंग पैनल, अगर कोई दो जनरेटर चालू कर रहे हैं तो हम सिंक्रोनाइज करते हैं, तो वो यहाँ से इस सिंक्रोनाइज भी यहाँ पे होता है, और यहीं पे तीनों जनरेटर का आपको लोड पता चलेगा, और उनके पैनल ग्रुप पैनल्स हैं इनमें आपको पता चलेगा इंडिकेशन से कि अभी जनरेटर पे आप ACB क्लोज है या ACB ओपन है, जनरेटर रनिंग में है या जनरेटर स्टॉप में है, या कुछ अलार्म आएगा तो आपको वो इंडिकेशन यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा, मतलब आपको भाग के जाके वहाँ जनरेटर के पास में देखने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं से आपको सब कुछ पता चलेगा कि मेरा जनरेटर कैसा चल रहा है,
एकदम बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हेल्दी है, प्रॉब्लम है कुछ, ये यहाँ पे सब कुछ है। यही से यहाँ के इनके ये ब्रेकर्स है जो ACBs है। इन शॉर्ट में बोलूं ये स्विचेस है जो ऑन ऑफ करते हैं और बाकी जितने भी ये इंडिकेटर्स मिलेंगे यहाँ से मिल जाएगा। ये स्विचेस है जो ऑन ऑफ करते हैं, यहाँ से ये पता चलता है कि ये कितना लोड ले रहा है। जैसे ये जनरेटर अभी चल रहा है, यहाँ से आप ये पता कर सकते हो, मुझे जनरेटर का पता है यहाँ पे 440 वोल्ट्स आ रहा है, यहाँ पे इसका ये फेज आ रहा है कोस 45, यहाँ पे इसका मुझे एम्पेरेज भी मिल गया। तो मुझे नीचे जाके देखने की कोई जरूरत नहीं है कि जनरेटर रनिंग में है कि नहीं है, मैं यहाँ से देख के बता सकता हूँ कि जनरेटर रनिंग में एक नंबर, उसका इतना वोल्टेज है, इतना ये है, ये सेम लोड भी वहाँ से देख के मैं बता सकता हूँ। okay. तो ये सब यहाँ पे, फिर अगर कुछ प्रॉब्लम आया आपको, जांच को ब्लैकआउट हो गया, ये हो गया, वापस नॉर्मल करने के लिए यही MSB है जिससे आप वापस नॉर्मल करोगे। यहीं से आपको पता चलेगा पंप बंद हो गए, पंप ट्रिप हो गए, पंप स्टॉप है, उनको स्टार्ट करना है, वो सारा इसी से। ओवरऑल यही कंट्रोल सिस्टम जितना पावर सप्लाई।